Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. तो फिल्म में अमर अंसारी आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई। तो गाइज आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली फाइटर आज तीसरे दिन पर किस तरह से कमाई करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी बजे गाइज शाम के 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 एंड 12 आज का दिन समाप्त होने के लिए 4.5 घंटे बचे हैं एंड क्या 4.5 घंटे में फाइटर कितने और पैसे कमाएगा या कमा सकता है, सारी सारी चीजें आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कृपया करके इसको एंड तक देखिए। शुरुआत करते हैं डे नंबर 1 से। इंडिया नेट 24.60 करोड़, ट्रेड फिगर 23.60 करोड़ का डिफरेंस था। जहां से हम ऑक्यूपेंसी ट्रैक करते हैं उन्होंने भी 22.5 करोड़ का डे नंबर 1 दिया है। डे नंबर 2 की बात करते हैं, 41.20 करोड़। सबकी निगाहें देखिए ट्रेड का फिगर देता है एंड वोला ट्रेड ने दिया 38.50 करोड़, अ गैप ऑफ 2.70 करोड़। एंड इसी के साथ प्रोड्यूसर फिगर फॉर टू डेज इज 65.80 करोड़ इंडिया नेट एंड द ट्रेड फिगर इज 61.50 करोड़, 61.50 करोड़। यानी कि प्रोड्यूसर और ट्रेड फिगर में पहले दो दिनों में ही 4.30 करोड़ का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस आज सुबह के एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह से एडवांस बुकिंग को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद है कि आज ये फिल्म एटलीस्ट 35 करोड़ की कमाई करे, क्योंकि गाइस द वर्ड ऑफ माउथ इज टेरिफिक एंड 4 एंड 5 स्टार रेटिंग्स फॉर द फिल्म हैज बीन गिवन एंड यू नो रिपब्लिक डे पर 40 करोड़ के ऊपर ही कमाई की है एंड इट्स फैंटास्टिक। दोपहर के 12 बजे ही यहाँ पर प्रेडिक्शन आना शुरू हो गया कि आज ये सैटरडे को 35-37 करोड़ का बिजनेस जो है वो करने वाला है। एडवांस बुकिंग को मद्देनजर रखते हुए मैंने सुबह आपको बताया था आई एम कीपिंग माय एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल। अगर आज ये 30 करोड़ भी कमाएगा तो बहुत अच्छा ट्रेंड होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइटर अभी 30 करोड़ के नीचे जो है कमाते हुए दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा डेटा दूंगा आप लोगों को, कल जब इस फिल्म ने अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर्स 41 करोड़ की कमाई की थी तभी 3D वर्जन इवनिंग से नाइट इसने 5 करोड़ कमाया था, 2D इवनिंग से नाइट 4 करोड़। यानी कि यही 7 बजे का जो वक्त था वहां से लेकर 12 बजे तक इसने 9 करोड़ की कमाई की थी। समझ में आ रहा है, अभी फिलहाल 7:15 पर इसने 17.5 करोड़ कमाया है एंड आज की ऑक्यूपेंसी कल की ऑक्यूपेंसी में जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। कल जितना अगर मैं 9 करोड़ भी ऐड कर दूं तो आज मैक्सिमम ये फिल्म जो है वो 26.5 करोड़ की कमाई कर सकती है। यानी कि 26 और 27 डिस्काउंट ले लो, ऑक्यूपेंसीज ही उतनी नहीं है कल जितनी, ऑक्यूपेंसी सब जगह गिर चुकी है। नंबर कैसे आएगा ये मुझे पता नहीं। शुरुआत करते हैं गाइस यहाँ पर 2D वर्जन से। सो गाइस 2D में मॉर्निंग वाज 17, afternoon was 26 and evening is just 33. Fighter has not shown the jump which it was predicted to. Obviously kal Sunday hai to ye 33 jo hai ye 45 jayega definitely. Raat ki occupancy badhne wali hai utni nahi jo kal ke collections jitni collections jo hai wo lekar aaye. Baat karte hain Mumbai ki, 517 2D shows mein 32% occupancy, Delhi NCR 768 shows mein 29, पुणे की बात करो 207 शोज में 34, नवा बेंगलुरु 189 शोज में 34, हैदराबाद 27, बट अहमदाबाद ऑन सैटरडे 465 शोज में 16%। वाई सैटरडे संडे आर द बेस्ट डेज यहाँ पर अहमदाबाद में अच्छी से अच्छी पिक्चर, खराब से खराब पिक्चर 25% की ऑक्यूपेंसी लेती है। सूरत डिसाइड्स द फेथ ऑफ एवरी फिल्म, 286 शोज में 10% ऑक्यूपेंसी है सूरत में फॉर द 2D वर्जन्स। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ईद, क्रिसमस, यहाँ पर फिल्में पैसा डेफिनेटली कमाती है एंड उम्मीद है कि उस बड़ी छुट्टी के बाद ड्रॉप आए, लेकिन इतना ड्रॉप जो है वो नहीं आए। पहले दिन इस फिल्म ने 24.60 करोड़ कमाई की थी जो कि एक नॉन हॉलीडे था, एक वर्किंग डे था। उम्मीद है कि जब 24.60 करोड़ का आपका थर्सडे हो ना, तब सैटरडे एटलीस्ट 35 करोड़ का हो, क्योंकि ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ इज फायर। You have 5 ratings with you. You have like craze going behind. It's a nationwide craze, Fighter. It's a sensation. It's the best film of Siddharth Anand. हाँ, तो ये उम्मीद थी कि सैटरडे को फिल्म 35 करोड़ कैसे भी जाए, लेकिन वो यहाँ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब मंडे देखने लायक रहेगा कि मंडे ये फिल्म टेस्ट जो है पास करती है नहीं करती। 3D की बात करते हैं, मॉर्निंग 17,
आफ्टरनून 27 एंड इवनिंग 35% ऑक्यूपेंसी. लुक एट मुंबई, 682 शोज में 3D में ओनली 24. मराठा मंदिर ले लो, ठीक है, गेटी ले लो दोपहर के शोज, रीगल ले लो, ऑक्यूपेंसीज आर 15% 20% ऑक्यूपेंसीज. ओके, बात करो दिल्ली एनसीआर की, 658 शोज में 24%, दैट्स इट. पुणे 33% है, बैंगलोर में 348 शोज में 44, हैदराबाद में 239 शोज में 33, कोलकाता में 217 शोज में 24, लुक एट अहमदाबाद 188 शोज में 12, सूरत 117 शोज में सिर्फ 8%. वो सब जाने दीजिए, भोपाल देख लीजिए 48 शोज में जस्ट 11, जयपुर 125 शोज में 17, लखनऊ अ मेजर सेंटर 127 शोज में 16% की ऑक्यूपेंसी है. नाउ दीज ऑक्यूपेंसी आर नॉट इनफ फॉर फाइटर टू टच दैट 30 करोड़ मार्क. लेट्स सी कल क्या आता है, प्रोड्यूसर जो है वो क्या देता है. सो माय प्रेडिक्शन फॉर फाइटर 25 करोड़, ये इसके ऊपर नहीं जा सकता. ऑक्यूपेंसी कल जितनी होगी तभी भी 9 करोड़ आएगा, आज देखने लायक रहेगा कि लोग क्या करते हैं. माय प्रेडिक्शन फॉर मैक्स 25-26 ले लो, 25 करोड़ आएगा एंड ये पिक्चर 3 दिन में अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर 90.80 करोड़ जाएगी. यानी कि 3 दिन में ये फिल्म 100 करोड़ भी नहीं टच कर रही है, वो फिल्म इसे 300-350 करोड़ कमाने की आवश्यकता है. एंड अगर 25 हमारा प्रेडिक्शन है एंड अगर ट्रेड 25 देगा तो प्रोड्यूसर 28 ही देगा. आई एम टॉकिंग फैक्ट्स ओवर हियर, ठीक है, एंड यहाँ पे फैक्ट्स के अलावा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं. बात करूँगा इस यहाँ पर अब कल क्या होगा, तो 25 नेट आएगा, 30 ग्रॉस होगा एंड ओवरसीज 13. ये फिल्म आज वर्ल्ड वाइड 43 करोड़ कमा रही है एंड इसी के साथ ये फिल्म जो है अपने 3 दिनों में 142 से 143 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है. रिपब्लिक डे 41.20 था, ठीक है, ओपनिंग डे 24.6, बिग जंप एंड रिपब्लिक डे से वापस से गाड़ी आ गई है 25 करोड़ के ऊपर. लेट्स सी गाइस, रात को कोई मिराकुलस ऑक्यूपेंसी होती है या फिर 100% 99% जाती है तभी जाके कलेक्शन 30 करोड़ के ऊपर जाएगा. वरना आई हैव नेवर सीन इन माई होल करियर ऑफ प्रेडिक्टिंग मूवीज कि ऐसा जम जो है कहीं देखने के लिए मिलेगा. लेट्स सी गाइस, स्पाइडर यहाँ से कहाँ जाती है, कल इसे कैसे भी 30 करोड़ के ऊपर रहना है. क्योंकि मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, थर्सडे इसका 24 था, मंडे ये पक्का 15 करोड़ के नीचे गिरेगी एंड अगर वैसा हुआ देन वो 300 करोड़ जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा. तो लेट्स सी गाइस, स्पाइडर किस तरह से बढ़ती है, ये था मेरा प्रेडिक्शन 25 करोड़ का. उम्मीद है कि रात तक फिल्म एटलीस्ट 30 करोड़ कमाए. इसमें साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.